तो गाइज आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक क्रेडिट कार्ड से दूसरा क्रेडिट कार्ड कैसे ले सकते हो। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है और आप एक दूसरा क्रेडिट कार्ड भी लेना चाहते हो, आपको कोई क्रेडिट कार्ड पसंद है या किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड कोई आपको अच्छा लगता है, तो वो वाला क्रेडिट कार्ड आप अपने पुराने क्रेडिट कार्ड की मदद से कैसे ले सकते हो, क्या प्रोसेस होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, कहाँ पर अप्लाई करना है, कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको आसान तरीके से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अगर आप एक क्रेडिट कार्ड से दूसरा कोई नया क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो तो उसके लिए क्राइटेरिया होता है जो कि आपको फुलफिल करना होता है। अब वो क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ देखो, जो भी क्रेडिट कार्ड आपके पास है जो आप यूज़ कर रहे हो वो कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए। मतलब कि वो क्रेडिट कार्ड को आपको यूज़ करते हुए 6 महीने या उससे ज़्यादा हो जाने चाहिए। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, जब भी हम किसी भी बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक हमसे इनकम प्रूफ मांगता है। अब वो क्यों? क्योंकि बैंक को ना एक सिक्योरिटी चाहिए होती है कि भाई जिस इंसान को हम क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं वो कल को उसका बिल भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा, इसलिए बैंक मांगता है हमसे इनकम प्रूफ। अब हम इनकम प्रूफ देके तो क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर नहीं रहे, हम एक कार्ड से दूसरा वाला कार्ड लेना चाहते हैं, तो बैंक क्या करता है कि हमारा जो पुराना वाला कार्ड है उसकी 6 मंथ की स्टेटमेंट हमसे मांगता है। अब यहाँ पे भी एक पॉइंट निकल के आता है कि कुछ बैंक्स जो है वो 3 मंथ या 4 मंथ की स्टेटमेंट से भी आपको दूसरा वाला क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवा देते हैं। जैसे कि मुझे स्टेट बैंक से कॉल आया था, मैंने उनको बताया कि जो मेरा पहला वाला क्रेडिट कार्ड है उसको अभी 6 मंथ नहीं हुए हैं, 4 मंथ हुए होंगे, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, 3 मंथ या 4 मंथ की स्टेटमेंट से भी आपका दूसरा वाला क्रेडिट कार्ड अप्लाई हो जाएगा। तो ये भी एक पॉइंट है। तो कम से कम 6 महीने उससे ज़्यादा पुराना आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ पे होना चाहिए। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो 6 मंथ की स्टेटमेंट आप बैंक को दोगे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए, उसमें होना ये चाहिए कि आपने अपने पुराने वाले क्रेडिट कार्ड की सारी पेमेंट टाइम से की होनी चाहिए, क्योंकि बैंक यही चीज़ आपकी स्टेटमेंट में देखेगा कि इन्होंने अपने पुराने वाले क्रेडिट कार्ड के जो बिल हैं वो टाइम पर भरे हैं कि नहीं भरे हैं। अगर आपने ऐसे में अपने पुराने क्रेडिट कार्ड की कुछ पेमेंट मिस की हैं, 1-2 या उससे ज़्यादा, तो ऐसे में आपका जो नया वाला बैंक का क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई कर रहे हो वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने पुराने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट टाइम से नहीं किया है, तो वो दूसरी बैंक रिस्क नहीं लेगी नया कार्ड आपको देने के लिए। थर्ड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपके पास पुराना वाला क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट हाई होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा लिमिट होगी उतनी ज़्यादा अच्छी लिमिट का आपको नया वाला क्रेडिट कार्ड मिलेगा। पुराने वाले क्रेडिट कार्ड की एटलीस्ट 50,000 रुपीज़ लिमिट होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो हो सकता है कुछ बैंक आपकी एप्लीकेशन ना लें, आपकी कार्ड टू कार्ड वाली जो एप्लीकेशन है उससे आपका नया वाला क्रेडिट कार्ड अप्लाई ना करें। लेकिन स्टिल आप एक बार ट्राई कर सकते हो, अगर 50,000 से कम लिमिट का भी क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो किसी भी बैंक में जाके, जिस भी बैंक का आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो। लेकिन अगर हाई लिमिट होगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, जितनी ज़्यादा लिमिट होगी उतना ज़्यादा बेहतर होगा। अब इसके अंदर भी एक और पॉइंट निकल के आता है कि जो भी आपके कार्ड की लिमिट है उसमें से एटलीस्ट 70% या 80% लिमिट फ्री होनी चाहिए जो कि आपने यूज़ ना की हो। एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पुराने वाले क्रेडिट कार्ड की 1,00,000 रुपये लिमिट है, तो उसमें से कम 70-80,000 रुपीज़ की जो लिमिट है वो फ्री होनी चाहिए, आपने यूज़ नहीं की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके कार्ड की 1,00,000 रुपये लिमिट है और आपने 70-80,000 रुपीज़ यूज़ कर रखी है। अगर आपने ज़्यादा लिमिट यूज़ कर रखी है तो ऐसे में नई बैंक आपकी क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन लेगी ही नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक क्रेडिट कार्ड की हाई लिमिट यूज़ कर रखी है, तो ऐसे में आपको नया बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगा, आपकी एप्लीकेशन या तो डिक्लाइन हो जाएगी या फिर आप अपना नया वाला क्रेडिट कार्ड अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। अब फोर्थ पॉइंट आता है एज क्राइटेरिया। देखो, आप कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करो किसी भी बैंक का, उसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अब इनकम प्रूफ के तौर पे तो हम अपने पुराने वाले कार्ड की स्टेटमेंट बैंक को देने वाले हैं, लेकिन एक एज का क्राइटेरिया भी होता है। कुछ बैंक ऐसे होते हैं जहाँ पे मिनिमम एज 18 चाहिए होती है, यानी कि 18 साल के आप होने चाहिए हो। जैसे कि एक्सिस बैंक के कुछ क्रेडिट कार्ड हैं जो आप, अगर आपकी एज 18 है तो आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेट बैंक के कुछ क्रेडिट कार्ड हैं जहाँ पे आपकी एज 21 होनी चाहिए, और कुछ बैंक के ऐसे भी क्रेडिट कार्ड हैं जहाँ पे आपकी एज 23 होनी चाहिए मिनिमम, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप ये देखो, जो आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हो उसमें जितनी एज चाहिए उतनी आपके डॉक्यूमेंट जैसे कि पैन कार्ड और आधार कार्ड उसमें होनी चाहिए, नहीं तो आप उस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। तो ये जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है, जो पॉइंट्स आपको बताए हैं, अगर आप इनको फुलफिल करते हो तो आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो अपने पुराने वाले क्रेडिट कार्ड की मदद से। और फिफ्थ पॉइंट हमारा यही होने वाला है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और कहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए। देखो, जब हम ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए गूगल पे जाके सर्च करते हैं तो ज़्यादातर जो वेबसाइट है उन पे अप्लाई करने के लिए आपको इनकम प्रूफ चाहिए होता है।
बहुत कम ऐसी बैंक की वेबसाइट है जहाँ पे कार्ड टू कार्ड अप्लाई होता है। तो बेस्ट ऑप्शन कहाँ है कार्ड टू कार्ड अप्लाई करने के लिए? तो बेस्ट ऑप्शन है ब्रांच। आपको जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड चाहिए आप उसके ब्रांच में चले जाओ, अपना पुराना वाला क्रेडिट कार्ड लेके जाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ जहाँ पे पैन कार्ड और आधार कार्ड, उनको बोलो कि हमको ये वाला क्रेडिट कार्ड चाहिए आपके बैंक का और आपके पास दूसरा वाला क्रेडिट कार्ड पुराना है इनकम प्रूफ के तौर पे, तो आपका कार्ड टू कार्ड नया वाला क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवा देंगे। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एक और भी ऑप्शन है एक कार्ड से दूसरा कार्ड अप्लाई करने का। कई बार क्या होता है कि जब हम ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड की वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो बाद में हमको कॉल आने लगते हैं बैंक्स के कि आप हमारा क्रेडिट कार्ड ले लो, तो यहाँ पे भी आप कार्ड टू कार्ड अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे बता दूं, कई बार फ्रॉड हो जाते हैं ऐसे कि आपको कॉल आता है, वो बताते हैं कि बैंक की तरफ से, और आप अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल दे देते हैं उनको नया वाला कार्ड अप्लाई करने के चक्कर में, और वहां पे फ्रॉड हो जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप ब्रांच में जाके अप्लाई करवा लोगे तो वहां से आपको कार्ड मिलने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। ये थी सारी चीजें कि आप एक कार्ड से कैसे दूसरा वाला क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। होपफुली आपको डिटेल समझ आई होंगी, आए हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब के लिए थैंक यू, बाय बाय।